नमस्ते जी, कैसे हो सब। मैं सुखविंदर राजपूत, राजपूत गांव से। ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 4 BHK विलास जो सेक्टर 115 में बने हुए हैं। ये 110 गज में बना हुआ है। इसमें 4 बेडरूम प्रॉपर हैं, 4 अटैच वॉशरूम हैं, 2 ड्राइंग रूम प्रॉपर हैं, 2 मॉलर किचन। ये हमारा 11 एकड़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमने 115 विलास बना के सेल आउट किए हुए हैं। जो अवेलेबलिटी है अभी भी है, यहाँ पे रेडी टू मूव में मिलेगा। इनकी जो पोजेशन मिलेगी आपको, वो 2 मंथ में इनकी पोजेशन है। फ्रंट एलिवेशन पे टाइल वर्क है, स्टील ग्रिल ग्लास वगैरह रहेगा ऊपर नीचे। जैसे इनके सामने जो विलास बने हुए हैं, ये हमारे रेडी टू मूव में थे, सारे सेल आउट हो गए हैं अभी। इनके फ्रंट एलिवेशन पर टाइल वर्क नहीं है, बाकी जो अंदर से इसका काम है वो एज इट इज़ ही रहेगा। 4 बेडरूम में 4 कबर्ड्स होंगे और 2 मॉलर किचन तैयार करके देंगे आपको। और 4 वॉशरूम्स में जैगुआर की बाथ फिटिंग होगी। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसा इनके अंदर से काम होगा। ये हमारे विला का सैंपल है। यहाँ पे स्पेशियस कार पार्किंग रहेगी मेन एंट्रेंस पे। ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम रहेगा 4 BHK विला का। वॉल पे जो वर्क है आपको एज इट इज मिलेगा, सीलिंग आपको एज इट इज मिलेगी। मॉलर किचन आपको एज इट इज मिलेगी। यहाँ पे जैगुआर की टैप्स मिलेंगी आपको। अंदर भी सरमाइका वर्क है। बेडरूम है, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। जैगुआर की बाथ फिटिंग मिलेगी। एज इट इज ही आपको स्लाइडर कबर्ड्स मिलेंगे। एक तरफ कबर्ड्स हमारा जो है वो थोड़ा सा क्रीमी मैट में है और अंदर भी सरमाइका वर्क है। दूसरी तरफ वाइट मैट में मिलेगा कबर्ड्स। ये हमारा बैक साइड पे वॉशिंग एरिया रहेगा। सॉरी, स्पेशियस वॉशिंग एरिया। इसकी वेंटिलेशन यहाँ पे है, इस बेडरूम की यहाँ पे मिलेगी, इसकी यहाँ पे मिलेगी और वॉशरूम की इधर मिलेगी वेंटिलेशन। स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, 4 बेडरूमों में है और दोनों ड्राइंग रूम में मिलेंगी आपको। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का 2nd बेडरूम है। अटैच वॉशरूम है। 2x4 की वॉल टाइल है, कजारिया की टाइल रहेगी और जैगुआर की बाथ फिटिंग है। सारे जैगुआर की है सारी बाथ फिटिंग। जैसा ग्राउंड फ्लोर है एज इट इज ही फर्स्ट फ्लोर है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। स्टेयर पे सारा स्टील का वर्क मिलेगा आपको, ग्रिल का, और जो अंदर भी इसके स्टील लगी हुई है, जो चौगाठों के बीच में लगी हुई है, वो आपको एज इट इज मिलेंगी। इसमें अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको। जो वायरिंग यहाँ पे अंडरग्राउंड है, कोई भी सोसाइटी में खंभा नहीं लगेगा, दोनों तरफ रेंज दिया हुआ है। ये तो सारे रेडी टू मूव में है। इधर इसमें 1-2 अवेलेबलिटी है, सामने में सारी अवेलेबलिटी मिलेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वेस्ट फेसिंग में अवेलेबलिटी है, जिसमें 4 बेडरूम है, 4 अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम है, 2 मॉलर किचन है। टॉप फ्लोर पे मॉन्टी उसे स्टोरेज कर सकते हैं। सामने सोसाइटी का छोटा सा पार्क आएगा विलास का। मैं एक बार फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट फ्लोर हमारा एज इट इज ही रहेगा। जैसा ग्राउंड फ्लोर है एज इट इज ही हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा। स्पेशियस है फर्स्ट फ्लोर पूरा। जैसे क्वांटिटी सेम ही रहेगी बेडरूम्स की भी। मॉलर किचन आपको एज इट इज जैसे ग्राउंड की है वैसे फर्स्ट फ्लोर की है। ये बेडरूम है, अटैच वॉशरूम, यहाँ पे भी जैगुआर की बाथ फिटिंग है और बैक साइड पे बालकनी मिल जाएगी आपको। जैसे मैंने ग्राउंड का एरिया, वॉशिंग एरिया का बताया था आपको, दिखाया था, एज इट इज LCD पैनल मिलेगा और जितनी विंडो चुगाठे दरवाजे हैं सब पे पॉलिश वर्क मिलेगा। और जो हमारे दरवाजे हैं उस पे भी सारा टीक का वर्क है और ऊपर पॉलिश की हुई है।
जो ये ग्रिल है, ये ग्रिल भी आपको एज इट इज स्टील की ही मिलेगी। ये सेकंड बेडरूम है, अटैच वॉशरूम रहेगा इसके साथ भी। बहुत ज़्यादा स्पेशियस बेडरूम है ये, 110 गज में बना हुआ है, 22.5x45 इसका साइज रहेगा 110 गज में विला का। बाकी हमारी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। अगर आप ये वीडियो, ये प्रॉपर्टी हमारी कंपनी का फोर्थ प्रोजेक्ट है, आपको अच्छी लगी है, ज़रूर आप एक बार विजिट करो। स्टेयर का एरिया टॉप फ्लोर की मोंटी तक है, जैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर दिखाया, अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ। जो इसका प्राइस रहेगा वो 5590 रहेगा, 55,90,000 के ये विला है। इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंट कोठी है, सेक्टर 115 लांडरा रोड टू गुनानिक इनक्लेव रोड पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। लांडरा रोड से 1 किलोमीटर अंदर पड़ जाता है, पर ऑन रोड ही रहेगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पे जितनी विंडो चुगाठे दरवाजे देख रहे हो आप, सबके ऊपर हमने डोर बीम डाले हुए हैं, एक नंबर वर्क है। तो फ्रंट की टाइल है सारी हमारी, ये 4x8 की टाइल है, कजारिया की टाइल रहेगी हमारी सारी।